नवंबर 1992 यही वो दिन था। ये तो विधाता के खेल है बच्चे, इसकी मौत जहाँ लिखी है वहीं होगी। जबकि हार्ट फेल हो जाने के कारण प्रेमनाथ जी का निधन हो गया। उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, करण करावन आप ही आप, मानस के कछु नहीं आप। लेकिन उनके जीवन को करीब से जानने वाले जानते हैं कि प्रेमनाथ जी ने हमेशा यही चाहा और समझा था। जीवन चलने का ना, यह सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, चलते रहो सुबह शाम, वो भारत देश है मेरा। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ अपने जमाने के जाने माने अभिनेता प्रेमनाथ जी के बारे में। वो भारत देश है मेरा। अभिनेता प्रेमनाथ जी के इसी अंदाज से परिचित है आज की पीढ़ी। देशभक्ति, तुमने इनके असली रूप नहीं देखे बेटे, बाहर से तालीम हासिल करके नए नए आए हो ना, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। तो आप चोर हैं। एक खतरनाक विलन के रूप में उन्हें जानते हैं आज के दर्शक। और अनाथों को शरण मिलती है, मेरा लफ्ज जनता के लिए पत्थर की लकीर है, लोग मुझे धर्मात्मा के। फिर वो चाहे जोनी मेरा नाम के राय साहब भूपेंद्र सिंह हो या अमीर गरीब का काला बाजारी स्मगलर सेठ दौलत राम, अभिनय का एक अपना अलग अंदाज रहा है अभिनेता प्रेमनाथ जी। मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। कानून कानून कौन से कानून, मैं अपने लिए खुद कानून हूँ, मैं रोज कानून बनाता हूँ, रोज तोड़ता हूँ। ये उनकी दूसरी पारी थी जो शुरू हुई थी फिल्म जॉनी मेरा नाम के क्रूर निर्दयी राय साहब के किरदार से। अदाकारी के फन का हर एक रंग पेश किया प्रेमनाथ जी ने। इंसान क्या ये तो खुदा से डर नहीं सकती। रत्ना दादी, बादल, बादल। सच बता क्या हुआ, जाने दो दिल। ठंडी हवाएं लहरा के आए, दिल रुबा जो हुआ सो। रास्ता कट जाएगा मिटदा के, बादल कट जाएगा मिटदा के, चुप से मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की जबान, बाकी कुछ बचे आ महंगाई मार गई। एक पल रुकना ना मिटरा, महंगाई मार गई। जा रे जा, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। उनके अभिनय करियर की शुरुआत हुई 1948 में फिल्म अजीत से। लेकिन दोस्तों, अभिनेता प्रेमनाथ जी के फिल्मी करियर की बातें बाद में करेंगे। पहले आपको बता दें कि 21 नवंबर 1926 को प्रेमनाथ जी का जन्म हुआ पेशावर के करीमनगर इलाके में घंटाघर के पास। जब तक कि प्रेमनाथ जी जवान होते कुछ कर पाते, देश का बंटवारा हो गया, लिहाजा मजबूरन पूरे परिवार को पेशावर छोड़कर आना पड़ा और ये परिवार मध्य प्रदेश के जबलपुर में आकर बस गया। प्रेमनाथ जी के बारे में और भी कुछ बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले आप फिल्म बॉबी के ये गाने की एक झलक सुनिए। ना चाहो सोना चांदी, ना चाहो हीरा मोती। फिल्म बॉबी में प्रेमनाथ जी ने एक ग्वाल मछुआरे जैक ब्रिगेंजा का रोल किया है और 1973 में उन्हें इस रोल के लिए फिल्म फेयर के बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेट भी किया गया। हाँ, तो हम बात कर रहे थे प्रेमनाथ जी के पिता के पूरे परिवार के साथ पेशावर से आकर
जबलपुर मध्य प्रदेश में बस जाने की। दोस्तों यहाँ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि प्रेमनाथ जी के पिता करताल नाथ मल्होत्रा रीवा रियासत के DIG हो गए। प्रेमनाथ जी के दो भाई और थे, राजेंद्र नाथ और नरेंद्र नाथ, और उनकी बहन का नाम था कृष्णा। प्रेम की बंसी जहां बजाता आए शाम सवेरा होली के कहीं मेले। इस गीत में पर्दे पर नजर आए प्रेमनाथ जी और प्रेम चोपड़ा। ये दोनों अपनी रियल लाइफ में रिश्तेदार रहे हैं। प्रेमनाथ जी की दो बहनों में से एक की शादी प्रेम चोपड़ा से हुई और दूसरी अभिनेता राज कपूर से ब्याही, कृष्णा कपूर। अब यहाँ राज कपूर की पहली निर्देशित फिल्म आग और फिर बरसात का जिक्र करना भी ज़रूरी है, क्योंकि इन दोनों ही फिल्मों में प्रेमनाथ जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। ये बात है सन 1949 की। इसके बाद तो प्रेमनाथ जी ने हिंदी फिल्म जगत में अगले 3 दशकों तक अपनी उपस्थिति बनाए रखी। कभी नायक, कभी सहनायक, कभी खलनायक, तो कभी चरित्र भूमिकाएं। प्रेमनाथ जी के हर रूप, हर रंग को उनके चाहने वालों ने पसंद किया। उनकी कुछ और उल्लेखनीय फिल्में हैं बादल, सगाई, अबे हयात, चंगेज खान, आग, रुस्तम सोहराग। दोस्तों ये बात मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे की थी कि फिल्म जॉनी मेरा नाम से प्रेमनाथ जी के अभिनय की दूसरी पारी शुरू हुई थी। इससे पहले भी उन्होंने फिल्म तीसरी मंजिल में खलनायक की भूमिका अदा की, लेकिन फिल्म जॉनी मेरा नाम के रोल से जो ख्याति उन्हें मिली, उसने एक बार फिर दर्शकों का उन्हें चहेता बना दिया। फिर तो लगभग हर फिल्म में प्रेमनाथ जी की उपस्थिति अनिवार्य हो गई। 10 नंबरी, गौतम गोविंदा, विश्वनाथ, क्रोधी, सन्यासी, चांदी सोना, जानी दुश्मन, देश प्रेमी और शोर। इस फिल्म शोर में खान बादशाह के किरदार में प्रेमनाथ जी ने दर्शकों का दिल जीत लिया और 1972 में फिल्म फेयर अवार्ड के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कैटेगरी में इनका नॉमिनेशन भी हुआ। अब इसी किरदार से जुड़ा एक किस्सा मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। जब मनोज कुमार ने फिल्म शोर का निर्माण शुरू किया तो खान बादशाह के इस रोल के लिए मनोज कुमार ने सबसे पहले अभिनेता प्राण जी से संपर्क किया, जिनको उन्होंने सबसे पहले चरित्र भूमिका में उपकार फिल्म में प्रस्तुत किया था मलंग बाबा के रोल में। लेकिन उस समय प्राण साहब प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर में शेर खान की भूमिका कर रहे थे, तो उन्होंने मनोज कुमार से बड़ी ही विनम्रता से इस रोल को करने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि एक जैसे ही किरदार दो अलग अलग फिल्मों में करना वो सिद्धांतर गलत मानते हैं। लिहाजा खान बादशाह का ये रोल प्रेमनाथ जी के हिस्से में आ गया। ये बात थी सन 1972 की। और फिर सन 1974 में मनोज कुमार ने प्रेमनाथ जी को एक और यादगार किरदार सौंपा। फिल्म थी रोटी कपड़ा और मकान। हरनाम सिंह की इस भूमिका के लिए भी प्रेमनाथ जी नॉमिनेट हुए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कैटेगरी में फिल्म फेयर अवार्ड के लिए। प्रेमनाथ जी ने अपने पूरे फिल्मी करियर में जिस भी फिल्म में काम किया उसमें वो बराबर नोटिस किए गए। प्रेमनाथ जी सुप्रसिद्ध अभिनेत्री बीला राय के पति थे और अभिनेता, निर्माता, निर्देशक प्रेम किशन और अभिनेता मोंटी के पिता। प्रेमनाथ जी ने अपना जीवन बड़े ही रहस्य तरीके से जिया।